देखो हमारा पहला लेसन, इस पाठ का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, या सीधा लिख देता हूं मैं समीकरण। ये हमारे इस पाठ का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, सब में रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। कोई पदार्थ जुड़ता रहता है तो कोई टूटता रहता है। आई बात समझ में? किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो उष्मा त्याग कर देता है, और किन्हीं दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वो ठंडे हमें महसूस होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। देखो, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, पहले हम इनका चार्ट बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया, एक तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। हमारी इस किताब में संयोजन अभिक्रिया के ओनली तीन एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ठीक है? तीन समीकरण आपको दे रखी है, तीनों समीकरण हम हल कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद में संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब टूटना यानी अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, अपघटन अभिक्रिया जो है वो हमारी किताब में तीन प्रकार की दे रखी है। कौन कौन सी? देखो, ताप वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ताप का ही दूसरा नाम लिख देते हैं उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इस तरह से लिख देते हैं प्यारे बच्चों। और दूसरा है इसका विद्युत वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा और जो लास्ट है वो है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आराम से इस पाठ के चार्ट को हम समझेंगे। लाइट जा चुकी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और इनके अलावा है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटाना। जैसे पहले आपको कोई साइंस पढ़ा रहा था और उस टीचर का आपको कम समझ में आ रहा था, उसकी जगह पे मैं आया, मैंने उसकी जगह ले ली। तो ज़्यादा क्रियाशील, ज़्यादा क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील को हटा देती हैं, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? विस्थापन का अर्थ क्या है? हटाना। और आगे इसी का अगला पार्ट है द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन। सिर्फ और सिर्फ पहले पाठ को समझ रहे हैं, पाठ के चार्ट को समझ रहे हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चों? अब इसके बाद, प्यारे बच्चों, इसके बाद अगली अभिक्रिया है हमारी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी मतलब वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा का त्याग होता है। कैसे? जैसे मान लो आप पानी के अंदर चूना डालते हो, कली जो दीवार पे करते हो ना, सफ़ेदी जिसको बोलते हैं, डालते ही क्या होता है, बुलबुले बाहर निकलते हैं और वो पात्र जो है आपका गर्म हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो दोबारा समझो, मान लो आपके पास कोई पात्र है, इस तरह से देखो, ये कोई पात्र है आपके पास, ये पात्र है और इस पात्र में जल है, क्या है? जल। और जल के अंदर हमने क्या काम किया? जल के अंदर हमने सफ़ेद सफ़ेद टुकड़े डाल दिए, किसके?
CaO के यानी कैल्शियम ऑक्साइड के डाल दिए तो ये पात्र गर्म हो गया, मतलब इसमें उष्मा का त्याग हुआ है। क्या हुआ प्यारे बच्चों? उष्मा का त्याग। तो ये है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और इसके ही विपरीत मान लो आपके पास एक गिलास पानी है, उस पानी में आप बना रहे हैं क्या, नींबू पानी स्कंजी बना रहे हैं, उसमें आपके पास पानी डाल लिया आपने, और पानी डालने के बाद में इसमें आप डाल रहे हो क्या, चीनी। क्या डाल रहे हो? चीनी डाल रहे हो, शक्कर डाल रहे हो, ठीक है, शक्कर डाल रहे हो इसमें। अब शक्कर डालने के बाद में क्या होगा, कुछ देर बाद ये पात्र कांच का जो बना हुआ पात्र है, इसको जब हाथ लगाओगे ये आपको ठंडा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा, ठीक है। तो ये क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ओनली चार्ट बना रहा हूँ पाठ का, पहले आपको अच्छी तरह से ये चार्ट समझाऊंगा, पूरा पाठ आपके भेजे में अच्छी तरह से उतार दूंगा, टेंशन मत करो। वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है, लेसन तभी समझ में आएगा बेटा। उष्मा छिपी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों अगली अभिक्रिया कौन सी है? उपचयन। उपचयन अभिक्रिया को भी हम समझेंगे, उपचयन, जिसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाता है। इन अभिक्रियाओं को सबको हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी के अलावा मेरे प्यारे बच्चों कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ऑक्सीजन हट जाती है, यानी अपचयन हो जाता है, अपचयन, अपचयन, उनको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। आ रहा है समझ में? ठीक है। और देखो जब भी उपचयन होता है तो अपचयन अभिक्रिया इसके साथ साथ चलती है, तो जहां पे ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है और जहां पर ये विस्थापन अभिक्रिया इसके अंदर ही हो रही है उसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आराम से समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं इसको, ठीक है। उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ चलती हो, क्या चलती हो? साथ साथ चलती हो, उनको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत करो, पूरा चार्ट बता देता हूं पाठ का, उसके बाद में आराम से समझाऊंगा, नो टेंशन। इनके अलावा बच्चों जो ऐसा टॉपिक जिसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, संक्षारण है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मान लो लोहा है, और लोहा धातु जब नमी के संपर्क में आती है, हवा के संपर्क में आती है, सर्दी के अंदर जो ओस आती है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, उसके संपर्क में आती है, तो वो धातु संक्षारित हो जाती है, उसके ऊपर वाली जो परत होती है वो क्या हो जाती है? उस पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? उस पर जंग लग जाता है। चांदी के जितने भी धातु है, जितने भी आभूषण है, वो उनके ऊपर काली परत जम जाती है। क्या जम जाती है? काली परत। और तांबे का लोटा जिसमें आपके घर में कोई भी पानी पीता होगा, या तांबे की कोई भी थाली होगी, कोई बर्तन होगा, लंबे टाइम तक वो जब पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर हरी परत जम जाती है, हरे कलर की। तो ये क्या हो रहा है? धातु की पहली परत, ऊपर वाली जो परत है वो संक्षारित हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। और संक्षारण के अलावा लास्ट अभिक्रिया है हमारी विकृत गंधिता। क्या है मेरा बच्चा? विकृत गंधिता अभिक्रिया, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो आप अंकल चिप्स, कुरकुरे, जो भी चिप्स आप खाते हो, थैलियों के अंदर जो डली हुई आती है उसमें आप नोट करो, हवा भरी हुई आती है। क्या भरी हुई आती है? हवा। अगर वो हवा निकल जाए तो वो क्या करेगी? वो खाने वाली वस्तुओं के अंदर क्या होगा? नमी हो जाएगी, और नमी होने से उनका स्वाद बिगड़ जाएगा, उनका स्वाद बिगड़ जाएगा। आप देखते नहीं, दूध को अगर फ्रीज में ना रखें, बाहर ही रखे रहें, तो कुछ टाइम बाद में दूध फट जाता है, वो खट्टा हो जाता है। होता कि नहीं होता? ऐसा होता ना। सब्जी को
लंबे टाइम अगर हम रख देते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। रोटियों को अगर हम लंबे टाइम रख देते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वो सड़ने लगती है। तो ये क्या है, विकृत गंधिता। तो इस अभिक्रिया को भी हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया हो गई, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया हो गई, और वियोजन के बाद में हमने विस्थापन अभिक्रिया का भी नाम लिख लिया, और उपचयन और अपचयन और द्वि विस्थापन का भी नाम लिख लिया, और संक्षारण और विकृत गंधिता और रेडॉक्स अभिक्रिया का भी हमने नाम लिख लिया। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है इस पाठ का। इन अभिक्रियाओं को हम समझेंगे आराम से। तो सबसे पहले हम लेते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, बाकी सबको मैं उड़ा देता हूँ। चार्ट बनाना चाहता है कोई भी बना लो, कॉपी में उतारना चाहता है तो उतार लो। पूरी वीडियो आराम से देखोगे, और सारी वीडियो अगर देखोगे विज्ञान विषय की कक्षा 10 वालों, गारंटी है मेरी 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके, 99 भी नहीं, 99 भी नहीं, पूरे के पूरे 100 नंबर, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया, अब समझते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं। देखो, कोई भी अभिक्रिया अगर ऐसी मिले आपको ए प्लस बी और आगे बन गया ए और बी, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही यौगिक मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे नहीं मिलेगा कि ए और सी और प्लस बी ऐसे हो जाए, नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। संयोजन अभिक्रिया तो वो है जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाए और एकल उत्पाद का निर्माण कर ले। किसका निर्माण कर ले, एकल उत्पाद का निर्माण कर ले, उसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो देखो प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी अगर ये है तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे, ए बी सी, पूरा का पूरा एकल उत्पाद बन जाएगा। एकल उत्पाद जहां पर बनेगा वो कौन सी अभिक्रिया है, वो संयोजन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, किसका, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब क्या है इसका, बिना बुझा हुआ चूना मतलब ये है बच्चों CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, इस भूत का क्या नाम है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड भूत को जब हम जल में डालते हैं, किसमें डालते हैं बच्चा, जल में, किसमें, जल में, जल का मतलब H2O में डालते हैं, तो ये दोनों मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसे, देखो, बिना बुझा हुआ चूना की जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, ठीक है बच्चा। तो देखो इसको प्यारे बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना अगर एग्जाम में आ जाए कि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र लिखो, तो आपको लिखना है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये सूत्र बना कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र बना कैसे है वो देखो। कैल्शियम आता है बच्चों 20 नंबर पर, कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। तो परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी में 8 भरे जाते हैं, तीसरी में 18 भरे जाते हैं। अगर 18 किसी के पास ना हो तो 8 भर देते हैं, मतलब अष्टक नियम की पालना करते हैं। तो बच्चों 2, 8 और 8, 18 हो गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, उनका ये त्याग कर देगा और अपने ऊपर 2 संयोजकता ये ले लेगा, Ca2 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया Ca2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन आती है 8 नंबर पर। अगर याद नहीं रहे ऑक्सीजन का,
आठ नंबर तो देखो ऑक्सीजन को ऐसे लिखा हुआ है, एक और लगा दो ऐसे, आठ नंबर हो गया ना, आठ नंबर पर ऑक्सीजन है। तो पहली कक्षा में दो भरो, दूसरी में इसके पास छः है, लेकिन हमारा नियम क्या है कि दूसरी कक्षा में आठ होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? आठ होने चाहिए। तो इसको आठ पूरे करने के लिए दो लेने पड़ेंगे। जो किसी से कुछ लेता है वो ऋणी हो जाता है। क्या हो जाता है? वो ऋणी हो जाता है। ए चल, चलो इधर। वो क्या हो जाता है मेरे बच्चों? ऋणी हो जाता है। तो ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर माइनस टू नेगेटिव, यानी ओ टू नेगेटिव इसकी संयोजकता होती है। तो देखो बच्चों, सी ए टू पॉजिटिव है, ओ पर टू नेगेटिव है, इसकी संयोजकता इसके नीचे आएगी, इसकी इसके नीचे आएगी। ये दोनों कट गई ना, दोनों कॉमन है, तो सूत्र क्या हो गया? सी ए ओ। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सी ए ओ। अब देखो आगे, अब देखो बच्चों आगे, सूत्र है सी ए ओ और इसकी क्रिया करवाता हूं मैं जल के साथ, एच टू ओ के साथ, और यहां पर ऊपर नाम लिखो संयोजन। क्या लिखोगे? संयोजन। तो तीर का निशान लंबा लगा लो ताकि संयोजन इस पे नाम आ जाए। सी ए ओ प्लस एच टू ओ जब आपस में जुड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा? सी ए ओ एच होल ट्वाइस टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा। कैसे बनाइए? देखो सी ए ओनली एक है, ओ और ओ दो है, एच टू भी दो है, तो ऑक्सीजन दो होनी चाहिए आगे और हाइड्रोजन भी दो होनी चाहिए। तो ओ एच के नीचे दो लगा हुआ है, क्या कह रहा है ये? कि ऑक्सीजन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है और सी ए तो एक है। अगर आगे दो लगता वो सबके लिए माना जाता, नीचे जो दो लगा है वो ओनली उसी को बताएगा जिसके नीचे वो लगा है, समझे? फिर देखो प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आता है वो देखो, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बिना बुझा चुनने की जल से अभिक्रिया का चित्र बनाइए। क्या बनाइए? चित्र। किसका चित्र? कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया का चित्र बनाइए। तो चित्र कैसे बनाना बच्चा? इस तरह से, ये देखो, ये आपने कोई पात्र ले लिया, इस तरह से ये पात्र ले लिया, ये इस तरह से आपके पास एक बिकर है, ठीक है? ये क्या है? बिकर। और इस बिकर में प्यारे बच्चों आपने क्या डाल लिया? जल। ये देखो जल डाल लिया, और इस जल के अंदर क्या डाल दो? कैल्शियम ऑक्साइड। यानी आपने ये क्या डाला है? जल डाला है। ये जल है, मतलब H2O है ये। और अब इसमें क्या डालोगे आप? CaO ये डालोगे। तो ये रहे, मतलब क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड डालते ही ये पूरा का पूरा क्या बन गया? क्या बन गया बच्चा? CaOH होल ट्वाइस टू बन गया। ये डायग्राम आपको एग्जाम में जब भी आए आपको बनाना है, और ये डायग्राम बिल्कुल जरूर आता है, ठीक है? ये बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में। ये प्रश्न आया था 2012 में, ये प्रश्न आया था 2012 के अंदर एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखो और इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न आया था। तो आपको क्या लिखना था? कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। लिख दी ये बात, उसके बाद में आपको यह रासायनिक अभिक्रिया लिख देनी। चित्र पूछा, ये चित्र आपको बना देना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्न,
आराम से देखो, सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है बच्चों, ऐसे नहीं आता। ठीक है, मेरे पास कोई ताबीज़ नहीं है कि मैं आपके गले में पहना दूं, ठीक है, जिससे आपको ये याद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अब प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल आपने किसका किया? कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका किया बच्चा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे हुए चुनने की क्रिया आपने किसके साथ में करवाई है? जल के साथ में करवाई है। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं? कोयले का दहन करते हैं। नंबर दो क्या है? कोयले का दहन। कोयले का दहन यह अभिक्रिया अब हम करते हैं। कोयले का दहन कोयले का सूत्र मतलब कार्बन। कोयला किसको बोलते हैं? कार्बन को बोलते हैं। ठीक है, कोयले का दहन। किसका दहन है? कोयले का दहन। तो कोयले का मतलब है कार्बन, दहन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन, O2। दहन का मतलब किसी चीज को जलाना या वायु की उपस्थिति में उसको जलाना, गर्म करना। तो देखो, कार्बन का दहन करोगे प्लस O2। O2 क्यों लगाया मैंने सिर्फ O क्यों नहीं लिया, O3 क्यों नहीं लिया, O4 क्यों नहीं लिया, वो समझो। सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता तो चार होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? दो। ऑक्सीजन की संयोजकता दो, तो एक कार्बन के साथ में दो ही ऑक्सीजन जुड़ सकती है। ये देखो, तो C+O2 और आगे क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा बच्चा? CO2। ये देखो, CO2 बन गया। ये आ गया समझ में? पेपर में आएगा कोयले का दहन या कार्बन का दहन की अभिक्रिया लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? C+O2 CO2। प्यारे बच्चों, अगर आप इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखना चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो। कार्बन ठोस होता है तो सॉलिड लिख दो, ऑक्सीजन एक गैस है तो G लिख दो, और CO2 भी एक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो इनकी भौतिक अवस्थाओं को। ठीक है, अब हो गया दो। अब तीसरा देखो, बिल्कुल इजी है तीसरी अभिक्रिया। क्या है? जल के निर्माण की अभिक्रिया। तीन नंबर है संयोजन अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल क्या है? जल के निर्माण की अभिक्रिया। निर्माण की अभिक्रिया, ठीक है, यह अभिक्रिया है। तो देखो बच्चों, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो आपको पता है कि जल किससे बनेगा? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो H2, देखो, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, तो दो ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ेगी? चार हाइड्रोजन से जुड़ेगी। दो ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन से जुड़ेगी, तो मैं क्या लिखूंगा आगे इस सूत्र को? 2H2O। इस तरह से मैं इस सूत्र को लिख दूंगा। आया समझ में? चलो ऊपर जाओ, आवाज मत करो इधर। 2H2+O2 2H2O। आया समझ में? तो इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2H2 यानी हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो इसके नीचे लिख दो जी। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो इसके नीचे लिख दो जी। जल क्या है? लिक्विड है, तो इसके नीचे लिख दो L। क्या लिख दो? L। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ठोस अगर कोई चीज है तो उसके लिए S आता है। क्यों आता है? कि इसको सॉलिड बोलते हैं ठोस को। द्रव है कोई चीज तो उसको L से लिखते हैं। L क्यों लिखते हैं? क्योंकि लिक्विड जो है, लिक्विड इसको बोलते हैं द्रव को। गैस क्यों लिखते हैं? क्योंकि गैस का नाम ही होता है गैस, G से लिखते हैं। अगर कोई जलीय विलयन है मेरे बच्चों, तो जलीय विलयन को A और क्यों लिख देते हैं? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कि जलीय विलयन है। तो दो एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल भी आपका हो गया।
अब एक प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रश्न आगे करेंगे। जब जल का वियोजन अभिक्रिया करेंगे ना, जल के वियोजन की अभिक्रिया जब हम करेंगे, तब हम एक एग्जांपल और करेंगे, मतलब एक चित्र और बनाएंगे। किसका? जल के विद्युत अपघटन का चित्र। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न कैसे आएगा, जल के निर्माण की अभिक्रिया? ऐसे भी आ सकता है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से जल के निर्माण की अभिक्रिया लिखो, जल के निर्माण की अभिक्रिया लिखो। तो यह हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों से जल का निर्माण हो गया। ठीक है, यह हो गई आपकी कंप्लीट संयोजन अभिक्रिया। अब अगला देखो, इसको पूरे को मैं मिटा देता हूं क्योंकि संयोजन अभिक्रिया तो पूरी हो गई ना। विधिवत चलेंगे अकॉर्डिंग टू किताब। प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, किताब में जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम चलेंगे। नंबर दो, ध्यान से समझो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऊष्मा को त्यागना, ऊष्मा त्यागना मतलब क्या है? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का त्याग होता है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हो गया याद? अब ऊष्मा का त्याग होता कहाँ कहाँ है? अगर आप प्राकृतिक गैस का दहन करोगे, किसका? प्राकृतिक गैस का दहन करोगे तो ऊष्मा का त्याग होगा। प्राकृतिक गैस कौन सी है? मेथेन को बोलते हैं। ये देखो पहला एग्जांपल प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस कौन सी है? CH4 यानी मेथेन। अब मेथेन के और कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो सुनो आप। मेथेन के प्रश्न आते हैं कि CNG का प्रमुख घटक कौन सा है? प्रमुख घटक कौन सा है मेरे बच्चों? मेथेन। उत्तर क्या है? मेथेन। और इसके अलावा मेरे बच्चों, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस। तो मार्स गैस भी किसको बोलते हैं? मेथेन को। CNG का प्रमुख घटक मेथेन, मार्स गैस मेथेन, और प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं? मेथेन को। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। तीनों में से कोई ना कोई बात आपसे पूछी जा सकती है, इसको आप पक्का याद रखिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे। प्राकृतिक गैस का दहन मतलब मेथेन का दहन। ठीक है, मेथेन का दहन मैं किससे करूंगा? दहन का मतलब मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी को जलाना। दहन का मतलब जलाना, जला करके राख बना देना। मेथेन को O2 ऑक्सीजन से मैं अभिक्रिया करवाता हूं। अब बच्चों, मैंने 2 O2 नहीं लिया, 3 O2 नहीं लिया, 4 O2 नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लगा दी। O लगा दो चाहे O2 लगा दो, देखो मैं O लगा देता हूँ। ठीक है, O लगा देता हूँ। अब यहाँ पर 2 आएगा या 3 आएगा या इधर क्या आएगा वो आपको अभी पता लगेगा जब आप अभिक्रिया को करोगे और फिर उसको संतुलित करोगे। देखो, ये ऑक्सीजन जब इस कार्बन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CO2। क्या बनाएगा? CO2। क्यों? मैंने बता दिया ना, कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो ये देखो, ऑक्सीजन की 2 पूरी हो गई, इधर से ऑक्सीजन की 2 पूरी हो गई और कार्बन की 4 पूरी हो गई, तो CO2 बनेगा। प्लस यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो जल बनाएगा H
H2O, ये बनाएगा H2O। क्यों बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दो हाइड्रोजन क्यों लगी है? ये देखो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? दो, ये देखो दो होती है, लेकिन हाइड्रोजन की संयोजकता तो एक होती है। तो ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन साझा करेगी, इसके पास में आएगी, तो ये कहेगा दो आओ, एक से काम नहीं चलेगा। तो दो हाइड्रोजन इसके पास जाएगी और क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन गया? H2O। अब देखो मेरे बच्चों, इसमें देखो हाइड्रोजन कितनी है? दो, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? चार। तो इधर वाले को क्या करेंगे? बराबर करेंगे ना, तो दो लगा दिया मैंने। अब यहाँ जब दो लगाया तो ये ऑक्सीजन भी दो हो गई और ये ऑक्सीजन भी दो है, तो दो और दो ऑक्सीजन कितनी हो गई? चार। कितनी हो गई? चार। तो ये ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? चार होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चा? चार। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2O2। क्या लिखेंगे? 2O2। ऐसे लिखेंगे 2O2। तो CH4 प्राकृतिक गैस का जब दहन करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे 2O2, और आगे लिखो CO2 प्लस 2H2O। ये क्या हो गया? प्राकृतिक गैस का दहन हो गया। किसका दहन हो गया बच्चा? प्राकृतिक गैस का दहन। एग्जाम में सीधा आएगा प्राकृतिक गैस का दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखो, या प्रश्न आए मेथेन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखो, तो आपको ये लिखनी है। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। ये कह रहा है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या कह रहा है? कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी इसको सिद्ध कर देते हैं कि है या नहीं है। अभिक्रिया है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा और बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। मैं बता भी देता हूँ कब कब आया हुआ है। 2014 में आया हुआ है। देखो ये प्रश्न कब कब आया हुआ है, एक मिनट बच्चों में बता देता हूँ। सारे प्रश्नों को मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा कब आया हुआ है। तो ये प्रश्न मेरे बच्चों काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है, 2014 में, 16 में, 17 में, इस तरह से कई बार आया हुआ है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे? श्वसन के अंदर हम क्या लेते हैं? मैंने श्वास लिया, श्वास में मैंने कौन सी गैस ली है? कौन सी गैस ली है बताओ? कौन सी गैस ली है बच्चों? ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस ली है।